बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सा चिकन पेटी बर्गर विथ चीज़ लेके हाज़िर हुई हूँ, जो बहुत ही यमी और झटपट बनने वाला है और बच्चों और बड़ों सभी में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये। तो आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लिया, जिसे धो के अच्छे से मैंने छन्नी में रख दिया ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो इसका निकल जाए। तो ये हाफ़ के जी मैंने चिकन ले ली है और इसको मैंने चॉपर में शामिल कर दिया है। तो इसको हमने बारीक चॉप करना है, साथ ही इसमें कुछ मसाले भी हम शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें 4 से 5 यहाँ हरी वाली मिर्चें शामिल कर दी हैं। तो मिर्चें आप जो सी भी हो अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। यहाँ एक मुट्ठी के करीब मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया, नमक शामिल कर दिया 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ये शामिल कर दिया 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ये भी 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून शामिल करके और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो बिल्कुल हमने बारीक इसको चॉप करना है चॉपर में, अच्छे से हमने इसको बारीक कर लेना है। फिर हमने इस सबको एक बाउल में निकाल लेना है। ये हमारा बिल्कुल बारीक सा हमारे पास चॉप होके चिकन रेडी हो चुका है। हमने इसको एक बॉल में निकाल लेना है अच्छे से, बिल्कुल स्मूथ चाहिए, बिल्कुल बारीक सा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें इसको पहले मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें शामिल करेंगे घी शामिल करेंगे हम, चाहे तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ घी है तो मैंने 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर दिया, साथ ही लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने बेसन शामिल कर दिया। आप इसकी जगह मैदा भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल ये हमारा मिक्स हो गया है, रेडी हो गया है। तवे पे यहाँ हमने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के लगभग ऑयल शामिल करा और इसको अच्छे से फैला लिया। अब हमने यहाँ पे हाथों को ग्रीस कर लिया बिल्कुल ऑयल से और यहाँ हमने पेटी बना लेनी है, बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल ऐसे हमने हाथों की मदद से इसको बना लेना है। कोई इसको गोल नहीं रखना, बिल्कुल जैसा आप शेप रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। बिल्कुल पतली सी पेटी बना के हमने तवे पे शामिल कर दी और इसको दोनों तरफ से हम बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको हम तल लेंगे ताकि चिकन भी हमारी अच्छी सी पक जाए और दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी पेटी तैयार हो चुकी है, साथ ही आप बर्गर बन मैंने उसी तवे पे शामिल करके इनको हल्का सा सेक लेंगे, बस ज़्यादा नहीं सेकना, ये जले नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का सा हम इसको सेक लेंगे। जब बर्गर बन हमारे सेक जाएंगे तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ज़बरदस्त से हमारे ये बर्गर बन हमारे सेक चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अब चूल्हा हमने बंद कर देना है इस टाइम पे और पेटी वापसी तवा अभी गर्म है उसके ऊपर रख देनी है और साथ ही इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देना है। इस टाइम आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारे चीज़ स्लाइस मेल्ट हो रहे हैं। जब तक हम यहाँ इसकी सॉस बनाते हैं, मायोनीज ले ली हमने, यहाँ केचप ले ली, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्चें, नमक और मस्टर्ड पेस्ट। बस हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो ये हमारी बर्गर की सॉस तैयार हो गई है। इसको एक तरफ रखते हैं, साथ ही हमारी ये चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेंगे। ज़बरदस्त ये चीज़ मेल्ट हो चुकी है, बस आपने ख्याल रखना है चूल्हे को बंद रखना है, गरम तवे पे बस आपने इसको रखना है। तो अब हम बर्गर रेडी करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले बर्गर के हिस्से पे हम ये सॉस लगाएंगे जो हमने रेडी करी है। अच्छे से हमने ये सॉस लगाई, ज़बरदस्त से हमारे बहुत ही यमी सा बर्गर बन के तैयार होगा। इसके ऊपर ये पेटी रखेंगे जो चीज़ के साथ हमने तैयार करी थी। अब यहाँ इसके ऊपर हम खीरे रख देंगे
इसके ऊपर कुछ प्याज भी रख दें कटी हुई। और दूसरे बन के हिस्से पे हमने केचप लगा लेनी है। तो बहुत ही यम्मी यम्मी से ये बर्गर बनेगा, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बहुत ही यम्मी सा बनेगा। लीजिए मज़ेदार सा हमारा चिकन पेटी बर्गर विथ चीज़ तैयार है, जिसे देख के यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।